अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज बड़ी ज़बरदस्त ये वीडियो है, ये समझ लीजिए कि ऐसी वीडियो है जो आपको टेंशन फ्री कर देगी बिजली के बिल से, लोड शेडिंग से, और बहुत ही कम बजट के अंदर जो ये सिस्टम लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सिस्टम है बगैर बैटरी के चलता है, इसमें आपको बैटरी अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, आप लोगों की जो लोड शेडिंग की टेंशन है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म, और इसके अलावा जो है आप लोगों के जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो सिस्टम है कितना सस्ता आप लगा सकते हैं, और इसमें आप लोग अपने लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो चला सकते हैं, यानी कि नॉर्मल घर के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप इस सिस्टम के तहत चला सकते हैं। तो आप लोगों को ये सिस्टम कितने का पड़ेगा, सारी बातें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखें, इस वक्त जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक तो डीसी सिस्टम होता है जिसमें आप 12 वोल्ट की लाइटें या 12 वोल्ट के पंखे चला रहे होते हैं, जो कि अब लोग इससे बोर हो चुके हैं। और लाजमी सी बात है, इसका जो बल्ब होता है वो भी डिम होता चला जाता है, और उसके जो फैन चल रहे होते हैं वो भी बहुत लो चल रहे होते हैं। तो इस वक्त आप लोगों ने 220 जो वोल्ट है उसके ऊपर आना है। तो किस तरीके से आप आएंगे और बहुत कम खर्चे में आएंगे, और आपको बिजली का बिल जो है वो भी तकरीबन आप इजीली जीरो कर सकते हैं, और आपको इसमें बैटरी का खर्चा भी नहीं होगा। तो देखें, आपको मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने दो प्लेटें लगानी है, एक इनवेरेक्स का जो है इन्वर्टर लगाना है 1.2 केवी का, और इसके अलावा आपके पास जो वायरिंग वगैरह होगी वो लगेगी और आपका हो जाएगा काम खत्म। तो इसमें कितना खर्चा आने लगा है, और इसके अलावा जो है आप लोगों के घर की क्या क्या चीज़ें जो ये सिस्टम चलाएगा, तो उसमें आपके घर का इन्वर्टर फ्रिज होना चाहिए वो चलाएगा। ये एसी इन्वर्टर फ्रिज जो होता है आजकल, यानी कि आप लोगों को पता होगा एसी डीसी जो फ्रिज आ रहे होते हैं या एसी डीसी जो फैन आ रहे होते हैं, तो इस तरीके का आपके पास इन्वर्टर फ्रिज होना चाहिए। और एसी डीसी आपके पास अगर 2 से 3 पंखे भी हैं तो वो भी चलेंगे, और उसके अलावा आपके घर की 3 से 4 लाइटें तो वो भी आपकी ईजिली चलेंगी इसके ऊपर, क्योंकि 1200 वाट का ही सिस्टम है। क्योंकि 1.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर जो है इन्वर्टर का वो आप लोगों ने परचेज करना है। तो वो कितने का मिलेगा, 2 सोलर की प्लेटें आपकी लगेंगी, 2 सोलर की जो आपकी प्लेटें होंगी वो 580 वाट की एक प्लेट आपने लगानी है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे, ये समझ लें कि सारा दिन आपका जो लोड है वो फ्री चल रहा होगा, और आप लोगों को इसमें बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रात को लोड यानी कि चलाना है अपना, तो आपको एक बैटरी लगाना पड़ेगी। आप इसमें छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं जिस पर आप अपना एक पंखा और एक अपनी लाइट चलाएंगे, जो कि 220 वोल्ट के ऊपर चल रहा होगा, और वो जो बैटरी है आप 20-22 हज़ार 25,000-30,000 जितनी आप उस पर उससे लोड लेना चाहते हैं, जितना आप उससे बैकअप लेना चाहते हैं वो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। 25,000 रुपये की, 24,000 रुपये की इस पर आप एक बैटरी लगा दें, और इसके अलावा 2 प्लेटें आप ले लें तो 2 प्लेटें आपकी जो है वो पड़ेंगी तकरीबन आपको 50,000 रुपये की, और आपका जो इन्वर्टर होगा वो पड़ेगा आपको 68,000 से 70,000 रुपये का 1.2 किलोवाट का। तो हम टोटल करते हैं कि कितना बजट बन रहा है, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो बजट है वो आप लोगों को कितना बन रहा है, यानी कि कितने का जो है ये पूरे का पूरा सोलर का सिस्टम आप लोगों को पड़ेगा। तो देखें, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है लगा देता हूँ 2 प्लेटें, यानी कि 2 प्लेटें 25,000 की एक प्लेट है, तो हमारी 50,000 रुपये की जो है ये 2 जो है प्लेटें बन गई 580 वाट की। और इसके अलावा जो है अब इसमें हम प्लस करते हैं 68,000 इसमें मैंने प्लस किए इन्वर्टर के, तो ये बन गया 1,18,000 रुपये। और इसके अलावा इसके अंदर और अगर कोई छोटा मोटा खर्चा आप लगाते हैं या लगाने वाले का खर्चा लगाते हैं, तो मैं इसमें लगा देता हूँ 15,000 रुपये इसमें जो है मैं और ऐड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के सारे बजट जो है वो सामने आ जाएगा आपके। तो देखिए, मैंने 15,000 रुपये इसके अंदर और ऐड कर दिए, तो अब ये बन गया 1,33,000 रुपये का, 1,33,000 में। अब अगर मैं बैटरी ऐड करता हूँ तो मैं बैटरी के 20,000 रुपये ऐड कर सकता हूँ। आप चाहें तो इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, दिन में धूप में जो है आप लोगों को किसी किस्म की जो है बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लोग रिकमेंड करते हैं कि बैटरी लगाएं तो आपके इन्वर्टर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, और आपका इन्वर्टर जो है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है। बैटरी की ज़रूरत वैसे लोगों को रात में पड़ती है जिन इलाकों में लोड शेडिंग है, और अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग नहीं है तो फिर आप विदाउट बैटरी भी जो है इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, 20,000 रुपये की बैटरी ऐड करने के बाद ये बना है 153,000, यानी 1,50,000 रुपये जो आप लगा लेंगे, 1,50,000 रुपये का जो आपका बजट है वो बैटरी के साथ जो आप लोगों को मिलेगा 1.2 किलोवाट का। ये इन्वर्टर का वेरिएंट 2 सीरीज जो न्यू जो ये समझ लें इन्वर्टर आया है 2024 और 2023 के स्टार एंड में शायद दिया गया था, तो ये सिस्टम आप लगाएं 1,50,000 रुपये अगर आप बैटरी के साथ लगाते हैं, विदाउट बैटरी लगाते हैं तो 1,30,000 रुपये में जो है आपका एक बेहतरीन सिस्टम लगेगा, जिससे आपको पूरे दिन जो है फ्री बिजली मिलेगी। और अगर आप रात का बैकअप चाहते हैं तो एक बैटरी लगाएं, तो बिजली के बिल से बिल्कुल आप जो है जान छुड़ा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपये के अंदर जो आपका ये सिस्टम आसानी के साथ लग सकता है।
तो ये थी एक बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों के लिए वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मजीद सोलर सिस्टम के हवाले से वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।